चुक चरखा गली दे विच डावा ए माया तेरे लेखन नू चुक चरखा गली दे। स्टार्ट एंड सबसे पहले मैं यूज करूंगी एक्सफोलिएटिंग टोनर। दिस इज विटामिन सी टोनर फ्रॉम पिक्सी। यू डेफिनेटली नीड अ टोनर, एक्सफोलिएटिंग टोनर, ब्राइटनिंग टोनर, स्पेशली इस हॉट ह्यूमिड वेदर में, बिकॉज ह्यूमिडिटी में जितना आपके पसीना आता है उतनी ही यू नो आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग इकट्ठी होती है, एंड दैट्स वाई यू डेफिनेटली नीड एनी काइंड ऑफ टोनर जो आपकी स्किन को रिफ्रेश कर देते हैं। एंड यू नो अगर फेस वॉश कर भी लेते हो आप और दोबारा से अगर आपकी स्किन के ऊपर पसीना, स्वेटिंग, कुछ ऐसा चीज़ें हुई हैं तो उसके साथ क्या है, डेफिनेटली इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपकी स्किन क्लॉग हो चुकी है पसीने की वजह से, जिसकी वजह से वो गंक एंड वो यू नो योर स्किन इज नॉट फ्रेश। यू नीड अ फ्रेश कैनवस टू पेंट, ठीक है। तो नाउ आई एम गोना यूज दिस फॉक्सटेल का द गेम चेंजर सैटिन मैट नायसिनामाइड सीरम कम प्राइमर। दिस हैज दिस ब्लर्स पोर्स इंस्टेंटली। दिस विल गिव यू ऑयल फ्री रेडियंस। 5% नायसिनामाइड है इसमें, प्लस ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट्स हैं। दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सी सिलिकॉनी सा टेक्सचर है इसका। अभी जो भी फुल स्किन केयर रूटीन होती है ना, मैं नाइट टाइम पे अपनी यू नो मैंने कर दिया है, डे टाइम पे आई ओनली अप्लाई सनस्क्रीन्स, ठीक है। तो क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से ना ऐसे लग रहा था कि बहुत हैवी हो रही थी, और कुछ भी मैं प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रही हूँ तो वो तो बह ही जा रहे हैं पसीने की वजह से, ठीक है। तो मैं 24 घंटे तो एसी में नहीं रह सकती हूँ, सो दैट्स वाई मैं सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। अदरवाइज आपकी जो सीरम्स है, चाहे वो विटामिन सी है, सैलिसिलिक एसिड है, नायसिनामाइड है, या फिर कोई मॉइस्चराइजर्स है, चाहे वो बैरियर केयर क्रेम्स हैं, वो आप नाइट टाइम पे कर दो, बिकॉज एसी में सोना है, ठीक है। तब आपकी स्किन मतलब रिलैक्स्ड है, योर माइंड इज रिलैक्स, तो आपकी स्किन के ऊपर जो आप लगा रहे हो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और काम भी करेगा, ठीक है। सो बात करें इस प्रोडक्ट की, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जो नायसिनामाइड की वजह से आपके ऑयल को तो कंट्रोल करेगा, उसी के साथ दिस हैज लाइक सिलिकॉनी टेक्सचर ना, तो बहुत स्मूथ मेरी स्किन हो गई अभी। सो या दैट्स इट फॉर स्किन प्रेप। आई एम डूइंग ओनली दिस वन स्टेप, आइदर आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन और आई एम अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ सीरम कम प्राइमर इफ आई एम डूइंग मेकअप। या ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन। एंड अब सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी एक पोर फिलिंग प्राइमर, विच इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन ओनली दिस एरिया जहाँ पे ज़्यादा पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग द प्रोफेशनल पोर प्राइमर फ्रॉम बेनिफिट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड आई वुड नीड ओनली दिस मच ऑफ प्रोडक्ट राइट हियर जस्ट टू फिल माय पोर्स। I'm gonna use this Shiseido का foundation. This is Synchro Skin Radiance Lifting Foundation SPF 30+ PA++++ के साथ, and मैंने इसको बहुत time पहले purchase किया था, but एक दो बार use किया है, so I thought let's use this today. And this is in the shade Sunstone 410 Sunstone. Let me shake this with this pump. बट यू शुड डू विद फाउंडेशन स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर, एक दो पंप ले लो जितना आपको चाहिए। फाउंडेशन अपना जो है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही ब्लेंड करो, ठीक है। तो आपके बिल्कुल एक्सेस जो होगा वो ये सोकअप कर लेगा, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आपको प्रोडक्ट लगेगा। और ऊपर से फाउंडेशन एक्स्ट्रा लेके कभी भी फोरहेड के ऊपर मत लगाओ, अभी मेरे हाथ के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो जो इसमें है उसी को आपने यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर कि सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लेके ब्लेंड आउट करना है, ठीक। और जो इसमें रहेगा उसको आपने अपने फोरहेड के पास, स्पेशली अपने अपर लिप्स के पास यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है जी।
एंड ऑनेस्टली डोंट अप्लाई फाउंडेशन ऑन नेक स्पेशली इस वेदर में जब यहाँ पे स्वेटिंग हो रही है बहुत बुरा लगता है. फेस का जो टोन है वो अपने नेक के साथ मैच करो ठीक है. मैच योर नहीं नहीं डोंट मैच योर फेस विद योर नेक. गर्दन को फेस के साथ मैच करो नहीं फेस को गर्दन के साथ मैच करो ठीक है. ये नहीं है कि आपकी गर्दन अगर थोड़ी सी डार्क है फेस आपका थोड़ा सा लाइट है तो लाइटर शेड अपनी अप्लाई करो नेक के ऊपर. नो 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 डोंट डू दैट. नाउ यू कैन सी मेरा जो फेस एंड नेक का जो कलर है वो एग्जैक्टली सेम है. तो मैंने अपने फेस को हालांकि एक दो शेड लाइटर ही रहता है आपका फेस क्योंकि आप धोते रहते हो दो तीन चार बार तो ज़्यादा केयर भी हम फेस की करते हैं. नेक को बहुत लोग यू नो अवॉइड करते हैं उनकी केयर. ओके जी दिस फाउंडेशन इज बहुत ही अच्छा. अब हम अप्लाई करेंगे कंसीलर एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज दिस हुडा ब्यूटी का कंसीलर. दिस इज इन द शेड ग्राम क्रैकर. दिस इज फॉर फिल्टर कंसीलर. That's it. I'm not gonna apply so much of lighter shade का concealer and इसको थोड़ा रहने दूंगी मैं. तब तक हम apply करेंगे ये contour. This is Mocha 03 Matte Stick from Rare Beauty. This is not very, you know, dark. अगर मैं skin tone के ऊपर बात करूँ this is like very this is like a contour shade, you know. It's not bronzer, bronzing shade नहीं है because this has cool undertone. This, मैंने एक जगह पे कंसीलर लगाया उसी को ब्लेंड आउट किया और आपका एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा जितना मर्जी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर हो उसमें प्रोडक्ट जो रह गया है आ गया है उसको हम जहां जहां पे आपको ज्यादा चाहिए प्रोडक्ट वहां पे आप अप्लाई कर लो. दैट्स इट. हम सेट करेंगे पाउडर प्रोडक्ट्स के साथ. सो यस सबसे पहले हम गोना टेक दिस हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर. दिस इज हुडा ब्यूटी का बनाना ब्रेड इजी बेक लूज पाउडर एंड सेटिंग पाउडर. ब्लश आई एम गोना यूज दिस मैक का ब्लश. दिस इज इन द शेड कॉपर टोन. या पाउडर ब्लश कॉपर टोन मैक ब्रश फॉर माई ब्लशिंग फॉर ब्लश पर्पज एंड दिस इज मार्स का. दिस हैज वेरी यू नो ब्यूटिफुल शेप और काफी फ्लफी भी है. इट्स नॉट वेरी फ्लफी बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू इट्स साइज इट्स परफेक्ट फॉर ब्लश. With same brush, I'm gonna use my bronzer and this is from NARS in the shade Laguna 04. Now let's do eyes and eyes के लिए आज कुछ smoky करने का दिल कर रहा है मेरा. So पहले तो हम use करेंगे ये काजल. This is L'Oreal का not काजल. This is जेल इन टेंजा 36 आर आई लाइनर. दिस ब्रश फ्रॉम स्विस ब्यूटी आई शेडो एप्लीकेटर ब्लश. डेफिनेटली नीड दैट काइंड ऑफ आई लाइनर और काजल जो बहुत जल्दी सेट ना हो सो दैट आपको इनफ टाइम मिल जाए उसको ब्लेंड आउट करने का. अपने इनर कॉर्नर पे बहुत ज्यादा ब्लैक आई शेडो या ब्लैक काजल को नहीं लगाया है क्योंकि जब आप ब्लेंडिंग करते हो तो उतना आपके इनर कॉर्नर में पहुंच जाता है. अब मैं लूंगी दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम के ब्यूटी. दिस इज के ब्यूटी की आई कैनवस आई शेडो पैलेट इन द शेड सन किस्ड एंड हम इसमें से ये वाला ब्राउन कलर लेंगे. दिस ब्राउन शेड स्मॉलर काइंड ऑफ ब्रश लूंगी मैं फ्लफी ब्रश. मैं अपने एजेस को ब्लेंड करूंगी. अब मैं लूंगी ये वाला पीच काइंड ऑफ कलर ब्राउन. मैं यहां से ये वाला ग्रीन कलर लूंगी एंड यहां पे मैंने लिया है मार्स की मेसमराइज आई शेडो पैलेट इन द शेड 03. दिस ग्रीन कलर दिस
green color, metallic green color. This looks so beautiful and it's very buttery. फिर से मैं अपना ब्रश उठाऊंगी जिससे मैंने ब्लैक कलर को ब्लेंड किया था एंड एक दिस ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर एंड इसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे. एंड वन लास्ट टाइम आई एम गोना टेक दिस ग्रीन कलर अगेन एंड okay, this pink color, metallic. इसको हम inner corner पे ऐसे लगा दें. काजल, कोई भी काजल ले लो आप. This holographic eyeliner from Swiss Beauty. So I'm gonna take this and इसको मैं अपनी lower lash line के पास smudge करूँगी. ब्राउन कलर लेके के ब्यूटी वाली आई शेडो पैलेट में से लाइक दिस. सो फॉर मस्कारा आई एम गोना यूज दिस बेनिफिट का मैग्नेट मस्कारा. गोना लाइन माय लिप्स विद दिस मार्स का लिप लाइनर एज ऑफ डिजायर इन द शेड चोको बटर. Lipstick, I'm using this chocolate velvet from Revlon.